हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे PSP एमुलेटर के कुछ गेम्स के बारे में। और आज जो मेरे पास गेम की रिव्यू है, और जो आप लोग इसको चलाना चाहते हैं, तो इस गेम का नाम है मेडल ऑफ हॉनर हीरोज 2। तो इसमें आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों के पास होना चाहिए PSP एमुलेटर, और साथ में जो ये गेम है तकरीबन 600-700 MB साइज़ है इसका, ISO जो है इसका आप लोगों ने डाउनलोड कर देना है, और तब आपके पास ये चल पड़ेगा। और इसकी जो रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात कर लूँ PSP की, तो आपके पास तकरीबन होने चाहिए, अगर 4 GB रैम हो तो बेस्ट है, नहीं तो कम से कम 3 GB रैम होना चाहिए PSP एमुलेटर के लिए। और अगर फिर भी आपके पास ना चले, इसके साउंड का मसला आ रहा हो या कोई ग्राफिक्स का मसला आ रहा हो, तो आप लोग सेटिंग में जाके इसकी सेटिंग कर सकते हैं, उसमें भी मैं एक वीडियो आप लोगों को बना के दूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी गेम प्ले दिखाता हूँ, जो कि मेडल ऑफ ऑनर हीरोज़ 2 है। तो इसकी गेम प्ले भी आप लोग इन्जॉय कर लें, और इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो PSP एमुलेटर को आप लोग डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। और जो गेम है, गेम की ISO जो है ना, ये आपको मिल जाएगा किसी भी गूगल पे सर्च मारेंगे तो मेडल ऑफ ऑनर 2 जो है ISO फॉर PSP, इस तरह का सर्च आप लोगों ने मार लेना है, तो आपके पास गेम आ जाएगा ISO का। किसी भी वेबसाइट में जाके आप लोग, या freeroms.com हो गया, या इस तरह की मुख्तलिफ वेबसाइट है, उसे आ जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के दे दूँगा, और अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दें तो ज़रूर मैं आपको बना के दूँगा। तो रिक्वायरमेंट भी मैंने आपको बता दी है कि तकरीबन 3 GB रैम होना चाहिए। और GPU की अगर बात कर लें तो GPU जो है ना आपके पास होना चाहिए कम से कम एंड्रीनो तकरीबन 530, तो इसके लिए लाजमी है, लेकिन फिर भी जो है ना तकरीबन ये 510 पे भी चल जाता है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होती है, और बाकी चल जाता है, ऐसे कोई मसला नहीं। PSP के लिए तो वैसे बहुत सारे गेम हैं, GTA भी इसके लिए है, लिबर्टी छोटी स्टोरी जो है, और बहुत अच्छे अच्छे गेम इसके लिए है। तो इसके मज़ीद में आप लोगों को गेम प्ले दिखाता रहूँगा, और कमेंट में अगर आप लोगों ने कोई सवाल करना है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, तो उसका जवाब मैं आप लोगों को भरपूर दूँगा। लेकिन इसमें दिक्कत थोड़ी सी होती ये है कि अगर आप जब इसको चलाते हैं तो थोड़ी सी आपको कंट्रोल करने में दिक्कत होगी पहली मरतबा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग खेलना शुरू कर लोगे तो ये दिक्कत भी ख़त्म हो जाएगी, और जिससे आप आराम से जो है ना गेम चलाना शुरू कर देंगे। और मज़ीद अगर कोई मालूमात आप लोगों को चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं, और बात कर सकते हैं, कोई भी सवाल आप लोग पूछ सकते हैं। तो इस तरह की मैं आपको मज़ीद वीडियोज़ भी लाता रहूँगा गेम्स की, और उम्मीद है कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और गेम प्ले इन्जॉय कीजिएगा।